at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सर हम ये भी देख पाते हैं कि उनका नेशनल हेराल्ड बनाने योगदान है नेशनल जी हेराल्ड जी के जी में जी जी उसके बारे में आप जी देखिए उसके पहले मैं एक और संदर्भ देता हूँ। जब 47 में आज़ादी आ गई तो मुझे बाबा बताते हैं कि शायद कुछ एक बात चली थी कि क्या पार्लियामेंट में आए या कैबिनेट में आए या कुछ आए, तो उस समय क्योंकि ये और चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व थे तो 47 या 48 में इनको नेहरू जी ने बुलाया था। सरदार साहब ने भी कहा कि अब तुम दिल्ली आ जाओ, और सरदार साहब चाहते थे कि ये गवर्नमेंट में आए एज अ जूनियर मिनिस्टर जब मेन कैबिनेट बनेगी, उसको शुरुआती कैबिनेट में तो नहीं, लेकिन पंडित जी का उस समय एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी दिल्ली में, जो ये पूरे आ रहे थे पाकिस्तान से शरणार्थी जितने थे, तो उसके लिए उनको बनाया गया था कस्टोडियन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ के गए थे पाकिस्तानी और जो सेटलमेंट था रेफ्यूजीज का दिल्ली में, उसके वो एक तरीके से इंचार्ज बनाए गए थे। आई थिंक ऑलमोस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक थी, और शुरू में उसमें उनको नेचुरली क्योंकि रिहैबिलिटेशन के और होम के मिनिस्टर सरदार साहब थे, सरदार साहब के साथ काम किया और फिर नेहरू जी के साथ काम किया। तो बहुत हद तक दिल्ली के जितने भी ये प्रवासी इलाके, माइग्रेंट, ये शरणार्थी इलाके, उन सबकी सेटलमेंट करना, उसमें बाबा ने बहुत बड़ा रोल अपनाया। यूटी जब बनी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा, कस्टोडियन इवैक्यूटी प्रॉपर्टी शायद 52-53 तक वो रहे। तो बहुत सी जो रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं, खान मार्केट है और एरियाज हैं जहाँ प्लॉट्स बटे, प्लॉट कटे, जहाँ निज़ामुद्दीन में हम बैठे हैं, इनमें ऑलमोस्ट सब में उनका हाथ रहा। वो उसकी अलॉटमेंट करते थे, लोग आना, कैंप्स देखना। वो उन्होंने एक जीवनी लिखी है, वो एक कभी रखी हुई है, सबन में नारा क्या करें, पर उसमें इसका बहुत अच्छा से वर्णन है। उसके बाद फिर वो नेचुरली पार्टी में भी इन्वॉल्व रहे। तब नेहरू जी का बहुत इम्पोर्टेंट का बहुत रुचि थी कि नेशनल हेराल्ड को हम लोग एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद फिर शायद 54 या 55 56 में या थोड़ा लेटर उनको फिर नेशनल हेराल्ड में वो ले गए टू मैनेज नेशनल हेराल्ड। उस समय नेशनल हेराल्ड की एक लोगों में आकर्षण था, लेकिन तब से लेके मेरे ख्याल से बाबा 69, 70 या 71 जब मंत्री बने हैं तो 10-12 साल वो हेराल्ड में रहे, और उसको बहुत लोग मानते हैं हेराल्ड के स्वर्णिम दिन। हेराल्ड छपता था, हेराल्ड का हिंदी वर्जन नवजीवन छपता था, और कौमी आवाज़ जो बहुत पॉपुलर उर्दू डेली थी वो छपती थी। बाबा मुझे बताते हैं कि उन्होंने कई नई बिल्डिंग्स बनाई, ऑफिसेज बनाए बहुत अच्छी तरीके से, प्रिंटिंग प्रेसेस लेकर आए, और नेशनल हेराल्ड की एक प्रतिष्ठा बनी। पर नेशनल हेराल्ड शायद उस समय बिल्कुल एक अलग तरीके का न्यूज़पेपर था, एक ऑफकोर्स कांग्रेस की एक तरीके से बात तो कहता था। अब जैसे उसमें बहुत से अच्छे टॉप क्लास जर्नलिस्ट होते थे, चलपति राव जी उसके एडिटर रहे बहुत समय तक। बाबा बताते हैं कि उनसे कई बार मतभेद भी हो जाता था, झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन वैसे वो कह रहे थे एडिटोरियल इंडिपेंडेंस थी, ये नहीं था कि हम चलपति राव जी से कह दें कि क्या लिखा जाएगा नेशनल हेराल्ड में, कोई चांस नहीं था। भल इतना होके कि नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, कांग्रेस का वर्चस्व था उस समय, तो लगता भी नहीं था किसी को कि कांग्रेस कभी हारेगी। ये कि नेशनल हेराल्ड जैसे पेपर में आप इंटरफियर करें और एडिटर को कुछ बताते, ये तो बाबा बताते कोई चांस ही नहीं था।